सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है NDTV इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, NDTV पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है NDTV इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है NDTV इलेक्शन कार्निवाल में। NDTV इलेक्शन कार्निवाल का काफिला 3108 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पहुंच गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और NDTV इलेक्शन कार्निवाल में मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं मंत्री टंकराम वर्मा जी को, स्वागत करता हूं। मंत्री जी प्लीज मंच पर आइए। NDTV इलेक्शन कार्निवाल में अब हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पैनल में छत्तीसगढ़ के राजस्व, युवा एवं खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं। टंकराम वर्मा जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा, रायपुर और छत्तीसगढ़ में खेल को और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए और राजनीति भी एक खेल है, तो आपने तो अपना खेल जीत लिया, लेकिन युवा कैसे खेल में आगे बढ़े, ये जिम्मा आपके पास है अब। देखिए, हमारी सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, तो उस समय खेल प्रतिभाओं के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया, उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और शासकीय सेवा में भी उनके लिए आरक्षित किए गए थे। और जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में गई, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, तो उन्होंने खेल प्रतिभा के ऊपर ध्यान नहीं दिया और साथ ही हमारे जो खेल के जो मैदान हैं या स्टेडियम है उनकी भी बुरी हालत हो गई है। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, विष्णु देसाई जी के निर्देशन पे फिर से हमने शुरुआत किया है अलंकरण समारोह का, 5 साल बीतने के बाद छठवां साल में। और इस समारोह से हमारे जो युवा प्रतिभागी हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, उसमें उत्साह का संवर्धन हुआ है और हम तो चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रतिभा है वो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करें, नाम रोशन करें। आपके पास खेल के साथ साथ युवा भी है और जब युवा जुड़ जाता है तो पहला सवाल आता है रोजगार और शिक्षा का। शिक्षा का विभाग आपके पास नहीं है, लेकिन जब युवाओं से जुड़ा हुआ है तो बड़ा सीधा सवाल यह है कि यही युवा वोट करने जाएगा 7 तारीख को, आपकी तरफ से ब्रिजमोहन अग्रवाल खड़े हुए हैं, तो आपने और आपके विभाग ने वो कौन से काम किए हैं कि युवा जब वोट दबाने जाएगा, वोट देने जाएगा, तो वो आपकी पार्टी के लिए होगा? देखिए, हमारी जो राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार है, युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित किया है, जैसे विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ऐसे अनेक योजनाएं हैं। और हम युवाओं के लिए केवल हम खेल नहीं, हमने उसमें एक शब्द और जोड़ा है कि खेल के साथ साथ समाज सेवा है, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कार है, हमारी नैतिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, इसको भी उसमें जोड़े हैं। और जो युवा इन सभी क्षेत्रों में आगे अच्छा काम करेगा उसके लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा किए हैं, छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार, इस पुरस्कार से उसको सम्मानित किया जाएगा। एक टंकराम वर्मा जी, सवाल मेरा ये है, फिलहाल आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ की कैसी है, आगे के इन 4 सालों की क्या योजना है? देखिए, हमारे अभी जो बीता हुआ सरकार का कार्यकाल है उसमें तो हमारे छत्तीसगढ़ की हालत बहुत ख़राब हो गई और कहीं पे छत्तीसगढ़ में भी कोई नया काम, नया निर्माण दिखाने लायक, बताने लायक कुछ किए नहीं है। और हमारे सरकार आने के बाद फिर से विकास की रफ्तार की शुरुआत हो गई है, पर्याप्त बजट हैं, डबल इंजन की सरकार है, अभी चुनाव है सामने, चुनाव में भी ये तय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और ये डबल इंजन की सरकार रहेगी और छत्तीसगढ़ बहुत तेज़ी से
विकास करेगा और देश के अग्रणी पंक्ति में हमारा छत्तीसगढ़ का नाम रहेगा। जब आपने डबल इंजन की सरकार की बात की तो लोग कहते हैं कि जितनी रफ्तार से ये रेल भाग रही है डबल इंजन की सरकार में, तो महंगाई भी उतनी तेज भागी जा रही है, तो उस पर कुछ ब्रेक लगेगा नहीं? देखिए, महंगाई उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना तेजी से विकास हमारे आर्थिक जो व्यवस्था है वो बढ़ रही है। हम 2014 के पहले की बात करें तो 11वें नंबर पे था, आज मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा जो देश है 5वें नंबर पे है अर्थव्यवस्था के आधार पे। और अभी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा देश तीसरे स्थान पे आ जाएगी। अच्छा, एक टंकराम वर्मा जी सवाल पूछता हूँ, जो आपका विधानसभा है वो भी इसी लोकसभा के अंतर्गत आता है, तो बृजमोहन अग्रवाल जी वैसे तो विधानसभा के स्तर पर अजय योद्धा हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तजुर्बा बहुत है उनको, कितनी बड़ी चुनौती है विकास उपाध्याय, एक नया युवा और कांग्रेस का भरोसेमंद और बड़ा नाम? देखिए, हम ये कहेंगे तो बड़ी बात नहीं होगी कि विकास उपाध्याय को अपने जमानत बचाने के लिए जूझना पड़ेगा, ये बड़ी बात नहीं है। माने जो रायपुर लोकसभा की स्थिति है वो कुछ ऐसे ही है। बृजमोहन अग्रवाल बहुत नामी आदमी है, जनाधार वाला नेता है और 35-40 साल से नेतृत्व कर रहे हैं, और केवल वो रायपुर के नेता नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में उनका बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता है। तो लोकसभा आप लड़वा रहे हैं उनसे, वो 8 बार से विधायक है, पहली लड़वा देते हैं आप सर? हम कहा, ये तो पार्टी का निर्णय, पार्टी का आदेश है, और बहुत ज़्यादा वोट से एक रिकॉर्ड बनेगा। हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश में नहीं देश में रिकॉर्ड बनना चाहिए रायपुर लोकसभा का। अभी बहुत वक्त नहीं हुआ है आपकी सरकार बने, अभी जब चुनाव हुए थे 23 में, तो जो इतना कम वक्त लगा, फिर आचार संहिता भी लग गई, तो इतना वक्त मिल पाया कि राज्य सरकार अपने काम दिखा सके ताकि लोकसभा में वोट मांग सके? देखिए, बहुत बड़े काम को धरातल पर ले आए हैं। मोदी जी के गारंटी में सबसे बड़ा गारंटी था कि जो 2 साल के किसानों को बोनस का पैसा देना था, दूसरा बड़ा वादा किए थे कि महतारी हमारे जो बहनें हैं उनको महतारी वंदन योजना के तहत 1-1 हज़ार रुपये मिलना चाहिए, 70,24,000 हमारे बहनों को ये राशि मिल रही है, और किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा थी कि 3100 रुपये का उनको धान का कीमत देना है। तो अभी जो डिफरेंस राशि दिए हैं, अंतर राशि दिए हैं, 1 एकड़ के पीछे 19,300 कुछ रुपये हैं, माने अगर आप ये कहें तो 20,000 रुपया भी मिला है, बहुत राशि मिला है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनना है, उनके लिए भी हो गया है। तो बड़ी बड़ी जो घोषणाएं थी वो 3 महीने के अंदर बहुत कम समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर लिया है। तो अब जब चुनाव, ये चूंकि छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं हो रहा है, ये देश का चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जब किसान को 3100 रुपये धान का मिल सकता है, तो फिर देश के धान उगाने वाले किसानों को 3100 रुपये क्यों नहीं मिल सकता? अब देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है धान का कटोरा है, यहाँ तो हमारे, तो ये तो ठीक है ना, बाहर थोड़ा थोड़ा धान होता है, पैसे देने में ज़रा पैसा खर्च नहीं होगा, आप तो राजस्व वाले हिसाब लगा ही लेंगे। हर प्रदेश की अपनी अलग नीति होती है, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ मांग थी, धान का ही खेती होता है और धान पे ही आश्रित हैं। तो मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कि वाकई में किसानों के जीवन में खुशहाली आ गई, समृद्धि आ गई इससे। अच्छा, एक सवाल और टंकराम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ जब से बना तब से बाइपोलर सिस्टम रहा, या तो बीजेपी या कांग्रेस, कोई तीसरा दल इतनी मजबूती से सामने नहीं आया। अजीत जोगी जरूर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ लेके आए थे, लेकिन उसके बाद वो कोई 5 विधानसभा में जीते थे, फिर कोई दम उसमें दिखा भी नहीं, अभी वो कुछ सियासी बहुत मजबूत विरोधी आपकी नजर भी नहीं आते हैं। इन चुनावों में भी आप मानते हैं कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के ही है और कोई किसी के पास सीट नहीं जा रही, किसी और पार्टी के पास? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोई तीसरा दल है ही नहीं, अजीत जोगी जी थे तो उस समय थोड़ा ताकत लगाए थे तो 4-5 सीटें आ गई थी, और उनके जाने के बाद जोगी कांग्रेस भी मेरे को लगता है कि कहीं पे कुछ है नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, और कांग्रेस की भी हालत आप देख रहे हैं बहुत ख़राब हो रहा है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, इस बार जब 24 में चुनाव हो रहा है तो 23 में आपकी सरकार बन गई है, और जब राज्य में सरकार पार्टी की होती है तो बहुत हद तक मदद मिलती है लोकसभा चुनाव लड़ने में। आपने विकास के काम किए होते हैं, उन विकास के कामों को आप बता सकते हैं, फिर जनता भी जानती है कि डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, तो उसका फायदा मिलेगा आपको? फायदा जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है,
और दोनों सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ गांव तक पहुंच रहा है, तो निश्चय ही पार्टी वो उसका फायदा मिलेगा पार्टी को। अच्छा, जैसे नए लोगों को भाजपा मौका देती है तो विकास उपाध्याय को भी तो कांग्रेस ने मौका दिया है, तो उन्हें भी तो समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब उनकी पार्टी की बात है। आप कह रहे जमानत जब्त हो जाएगी उनकी? नहीं, हम जो क्षेत्र का, कुछ तो उनका हौसला बढ़ा दीजिए, आप सीनियर हैं उनसे। हम जो है क्षेत्र के आकलन करके बता रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं में जो जज्बा है, जो जुनून है, हमने पूरे 9 विधानसभा सीट पड़ता है अपने रायपुर लोकसभा में, तो जहां भी जाते हैं कार्यकर्ता केवल यही कहते हैं कि इस बार उसका जमानत जब्त कराना है, और प्रदेश में नहीं देश में। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं? नहीं नहीं, हमारे कार्यकर्ता बृजमोहन अग्रवाल को जिताने के लिए कि देश में एक रिकॉर्ड बनाना है, सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला कोई लोकसभा का नाम आए तो रायपुर का आना चाहिए। तो बृजमोहन जी के नाम पे तो रिकॉर्ड भी है, विधानसभा में अच्छे खासे मार्जिन से जीतते हैं वो, अब वो लोकसभा में भी बनना चाहिए। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे टंकराम वर्मा जी, चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर होना चाहिए रायपुर में, या रायपुर के मुद्दों पर होना चाहिए? देखिए, ये केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, तो ज़्यादातर लोग देश के मुद्दों पे बात करते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। अब नगर पालिका नगर निगम का चुनाव होता तो मेरे को लगता है कि नगर के बारे में सोचते लोग तो केवल मोदी जी के बारे में सोचते हैं कि। तो ये भाटापारा और बड़ौदा बाजार वाले लोग क्या क्या के भेजे हैं आपको कि बृजमोहन अग्रवाल जी जीत जाए तो क्या करवा देना आप उनके लिए? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी काफ़ी अनुभवी और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, और विकास के काम बहुत कराए हैं और आगे भी कराएंगे, सबको पूरा भरोसा है, विश्वास है, और उनकी लोकप्रियता भी है। तो कांग्रेस सिर्फ अकेली आपके सामने नहीं है, इस बार तो कई विपक्षी गठबंधन मिलके इंडिया गठबंधन बनके आपसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका कितना असर पड़ेगा? उसका असर नहीं पड़ेगा, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश की जनता समझ रही है कि इसको केवल मोदी जी को रोकने के लिए ये लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। ये आपस में ही उनका कोई एजेंडा नहीं है कि उनका कि देश के लिए क्या है, कुछ भी रीति और नीति नहीं है, केवल और केवल मोदी जी को रोकने के लिए लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ की जो जनता है भली भांति समझती है। बहुत धन्यवाद करता हूँ मंत्री जी आपका, आप हमारे NDTV रक्षण कार्निवाल में आए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। टंकराम वर्मा जी, मंत्री राजस्व खेल युवा छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे साथ NDTV रक्षण कार्निवाल में जुड़े हुए थे। NDTV इलेक्शन कार्निवाल में अब वक्त है एक और हमारे पैनल का, और मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं कांग्रेस नेता विकास तिवारी को, बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास जी को, और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार KN किशोर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज आप लोग मंच पर आएं, सीट ग्रहण करें। मंच पर हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट आ गए हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सवाल लेता हूँ विकास तिवारी जी आपसे। विकास जी, आप भी विकास हैं, जो यहाँ से लड़ रहे हैं उनका नाम भी विकास है, इतना विकास है फिर भी टंकराम वर्मा कह रहे थे कि विकास उपाध्याय की जमानत जब्त हो जाएगी? देखिए, टंकराम वर्मा जी दुर्घटनावश मंत्री बने हैं, दुर्घटनावश उनको टिकट दिया गया है। हम लोगों को राजनीति करते बहुत लंबा समय हो गया, टंकराम वर्मा जी को मैं ना कभी झंडा बिना लगाते देखा भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, वो सांसद के प्रतिनिधि थे, उसके बाद वो विधायक के प्रतिनिधि बने, तो यही समझिए कि एक जुगाड़ करते करते जैसे तैसे उनको टिकट मिल गया, और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय वहाँ पर के कार्यकर्ता थे उनका हक मार के इनको टिकट दे दिए और मंत्री बना दिए। जो पसीना बहा के चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो कार्यकर्ता लोग कांग्रेस से लड़े, आप देखिए आसिफ भाई, पूरे देश में जो कांग्रेस की गंदगियाँ हैं, जो अन्य दल की गंदगियाँ हैं, मैं गंदगी बोलूँगा सीधी सीधी बात, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने में समाहित कर रही है। मोदी जी कह रहे थे कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, वो भाजपा युक्त कांग्रेस युक्त भारत हो गया, उनका भाजपा हो गया। यहाँ के जो स्थानीय भाजपा के और RSS के बड़े नेता है, वीरेंद्र पांडे जी ने कहा कि आज ये स्थिति हो गई भाजपा में कि भाजपा में ही भाजपाई अल्पसंख्यक हो गए हैं, विचारधारा खत्म कर दिए हैं, राम मंदिर से लेके तमाम जुमलेबाजी की बात होगी, लेकिन यहाँ पर जो युवा बैठे हैं 30 लाख केंद्र की नौकरियां हैं। देखिए, भारतवर्ष में दुर्भाग्य की बात यह है कि धर्म के नाम से लड़ाएंगे, मंदिर के नाम से वोट मांगेंगे, लेकिन भाजपा ये क्यों नहीं बताते कि केंद्र की नौकरी
सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब 30 लाख राहुल जी ने कहा सरकार बनते तत्काल देंगे। जो गरीब घर की महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपया प्रति परिवार एक महिला देंगे तो भाजपा के लोग कैसे। इस पे तो विकास जी मैं आऊंगा अभी, क्योंकि बहुत सारी बातें, संकल्प पत्र की बात आपकी भी होगी उनकी भी होगी, लेकिन जब आपने कहा कि टंकराम वर्मा दुर्घटनावश जीते, दुर्घटनावश वो मंत्री बने, उसे गौरी भैया कह सकते हैं कि वो सौभाग्य था, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किस्मत भी बीजेपी के साथ है क्या कि किसी को अगर नए को भी खड़ा किया तो वो जीता और मंत्री बन गया। देखिए उस समय महतारी बंधन के फार्म का 7 दिन का झूठ चला, टंकराम वर्मा जैसे लोग बहुत लोग जीत गए। जो गौरी श्रीवास जैसे कर्मठ कार्यकर्ता है आज भी वो डिबेट कर रहे हैं, टंकराम वर्मा मलाई खा रहे हैं। विषय यहाँ पर यह है कि युवाओं का हक भारतीय जनता पार्टी न केवल बेरोजगारों के साथ मार रही बल्कि अपने नेताओं को भी भाजपा में बेरोजगार कर दे रही है। मैं पूछ लेता हूँ विकास भैया, आपकी ये चिंता बड़ी जायज है, एक युवा से, एक युवा के लिए चिंता, मैं किशोर सर इस पर आऊंगा आपके पास। गौरी भैया सवाल ये पूछा है इन्होंने विकास जी ने, विकास जी कह रहे हैं कि जो मूल कार्यकर्ता है दरी चादर बिछा रहा है, झंडे उठा रहा है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और उसमें एक सवाल और भी, बृजमोहन अग्रवाल जैसे इतने पके सीनियर नेता अगर चुनाव लड़ेंगे और टंकराम वर्मा यहां से मंत्री बन जाएंगे तो ये जो बीच के लोग हैं ये कहां जाएंगे। टंकराम वर्मा जी एक सामान्य लिपिक पीए थे, वो भी दरी बिछाते थे भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे ऐसे हर कार्यकर्ता। तो आप पीए से दरी बिछवाते हैं सर? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे वो। अच्छा कार्यकर्ता थे वो, पीए भी थे, बोले ना लिपिक थे वो, पीए थे। मैं संशोधित कर देता हूँ, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनते हैं, परिस्थिति वैसी बनती है, विधानसभा के बहुत सारे समीकरण रहते हैं, निश्चित तौर पर टिकट मिला और जीत गए। और हराए किसको? इनके पार्टी के दिग्गज नेता को, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को, जिनके पार्टी के मुखर वक्ता रहे। टंकराम वर्मा जी ने उनको धूल चटा दिया, उस बात का ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा रंज है, तकलीफ है कि टंकराम वर्मा जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं जुड़ता। ये कांग्रेस पार्टी में होता है कि टिकट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाजपा भाग जाएंगे, आम आदमी पार्टी चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी चले जाएंगे। भाजपा का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में चलता है, विकास की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, उसी के साथ में उसी उन्हीं सब चीजों को लेकर वो कार्य करता है। नहीं, विकास की बात तो विकास जी कर ही रहे हैं, आप तो अपनी बात करिए। विकास तो खो चुका है, विकास तो पिछले 5 साल में खो चुका है। और इन्होंने कहा कि रोजगार की बात क्यों नहीं होती है, मैं चाहता था विकास तिवारी जी रोजगार में आए इस प्रदेश में, इस प्रदेश के 10 लाख युवाओं को इन्होंने कहा था 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4 साल 6 महीने तक प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आखिरी के 6 महीने चंद हजार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का दुस्साहस किया, वो भी हाथ नहीं आया। गौरी जी मेरा सवाल बड़ा सीधा सा आपसे कि आप जो मोर्चा देख रहे थे उसमें आप भी, आपके समर्थक भी, आपके चाहने वाले भी सोच रहे थे गौरी भैया प्रमोट होंगे, फिर चंद्रशेखर शुक्ला यहाँ से आ गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई आ रहा है तो हमारा कुनबा बढ़ रहा है, ये सिकुड़ रहे हैं इस बात के कम है, हमारा परिवार बढ़ रहा है। चंद्रशेखर शुक्ला जी हो चाहे कोई, खुद विकास तिवारी जी अगर कांग्रेस में आते हैं उनका मैं स्वागत करूंगा, रेड कार्पेट बिछाऊंगा बीजेपी में, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत करूंगा बीजेपी में। किशोर सर मैं देखिए पॉलिटिकल डिबेट तो चली रही है इनसे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रायपुर की जंग आपको कितनी आसान, सरल, उलझी हुई, फंसी हुई कैसी नजर आती है? रायपुर की जंग देखा जाए तो अभी तो आप पहले भी बोल चुके हैं कि ये बीजेपी की बहुत लंबे समय से चली आ रही है, अब पता नहीं कि वोटर्स क्या डायरेक्शन देगा या क्या सोच है, लेकिन यहाँ ऐसे कैंडिडेट को बीजेपी ने खड़ा किया है जो जंग इलेक्शन जो है बहुत लंबे समय से एक्सपीरियंस के साथ लड़ते आ रहे हैं और वो उनको स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है इलेक्शन के। दूसरी चीज़ विकास उपाध्याय जो है, जो कांग्रेस के हैं, वो भी धीरे धीरे से नीचे से NSUI से ऊपर उभर के आए हुए हैं और अभी अभी MLA बने थे और बदकिस्मती से वो जो पिछले बार की जैसी लहर चली जाने, साइलेंट वोटर्स जो होते, अब देखते हैं कि इसमें दोनों की टक्कर क्या होगी और क्या सोच रखते हैं। एक किशोर सर मेरा सवाल आपसे और भी है, क्योंकि ये चुनाव दिल्ली का है, ये चुनाव रायपुर का नहीं है, रायपुर से मेरा मतलब विधानसभा से है, क्योंकि चुनाव दिल्ली का है तो यहाँ आप क्या भांप रहे हैं सर? मुद्दे वो इसराइल वाला, राम मंदिर वाला, पाकिस्तान वाला मुद्दा गूंज रहा है कि यहाँ स्काई वॉक, तेली बांधा, टाटी बंद, रायपुर खास, यहाँ के मुद्दे गूंज रहे हैं? नहीं, लोग असेंबली में देखा जाए तो लोकल मुद्दे ज़्यादा रहते हैं और लोकसभा में तो सेंटर की जो है वो कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी और जो मेजर पॉलिसीज जो लेके आएगी उसी पे ज़्यादा पब्लिक वोट देती है।
लोकल मुद्दे जैसे आप कॉरपोरेटर्स ये है असेंबली के जो स्टेट के हिसाब से स्टेट के मुद्दे रहेंगे, और लोकसभा में तो सीनियर ज़्यादा सेंटर जो स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है, पॉलिटिकली स्टेबल रहे, इकोनॉमी को स्टेबल कर सकती है, ऐसे मुद्दे ज़्यादा वहाँ पे बोले जाते हैं। पिछली बार तो राज्य में सरकार भी आपकी थी, उसके बावजूद आप दो ही सीटें जीत पाए थे, एक कोरबा और एक बस्तर, और इस बार तो आपकी सरकार भी नहीं है, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? देखिए, चुनौती हर चुनाव होता है आसिफ भाई। सबसे बड़ी बात ये है, मैं अपने जेब से 1,01,000 रुपया दूंगा अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता 2019 में जो वादा थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते उसमें बात करें। ये चुनाव किसका है? लोकसभा का चुनाव है। इनको भाजपा के नेताओं को प्रवक्ताओं को रटा के भेजते हैं, विष्णुदेव साय के बारे में बोलना, रमन सिंह के बारे में बोलना, भूपेश बघेल के बारे में बोलना। इनको बोलो 15 लाख यूं ही खाते मांगे तो ये बोल देंगे बातें ही नहीं करते, 2 करोड़ ये युवा रोजगार की बात करते हैं ये बातें ही नहीं करते, नट जाते हैं। महिलाओं को बोले थे मेरी बहनों को महंगाई कम करेंगे, 500 रुपया सिलेंडर राम भगवान से लेके 33 करोड़ देवी देवता कसम खाक बोले 500 में सिलेंडर देंगे, पूछ लो किसको 500 में सिलेंडर मिला। और जब केंद्र में राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे और युवाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी देंगे, आप एक बात बताइए, सेंट्रल का चुनाव सेंट्रल का बात होना चाहिए, भाखड़ा नंगल का बात होना चाहिए, ये तेली बांधा तरिया का बात क्यों करते हैं? इनके में हिम्मत क्यों नहीं है कि ये सेंट्रल का बात करें? दूसरी बात, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को टिकट नहीं दिया गया है, उनको जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है, वो अभी प्रचंड वोट से जीत के अगर वो दिल्ली जाएंगे तो प्रमोशन है कि रिटायरमेंट है? 10 सेकंड। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी व्यवसाय से व्यापारी आदमी है, 35,000 करोड़ का उनका बजट का उनका विभाग था, बढ़िया दुकानदारी चल रहा था, अचानक बलात् उनको इसलिए यहाँ से भगाया जा रहा है क्योंकि विष्णुदेव साय सरकार में किसी को भी मंत्री बना दिया गया। आप उठा के देख लो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बता दे तो मैं गमछा पहनना छोड़ दूंगा। अगर विकास उपाध्याय जीत गए तो कितनी संभावना है कि वो यूपीए की सरकार में मंत्री बने, और अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल जीत गए तो कितनी संभावनाएं हैं कि वो एनडीए की सरकार में मंत्री बने? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी तो जीत नहीं रहे, मान लो यदा कदा जीत गए तो उनको वन विभाग में मोदी जी सदस्य बनाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, विकास उपाध्याय चुनाव जीतेंगे तो यहाँ की गरीब महिलाओं को 1,00,000 रुपए मिलेगा, मेरी जवाबदारी है। और गौरीशंकर जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि भगवान राम को भोग लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, लेकिन सिलेंडर तो सस्ता कीजिए, फिर बढ़िया पकौड़े बनेंगे, 56 भोग बनेंगे, फिर हमको भी मजा आएगा, हमारी जेब पे भी असर कम पड़ेगा। आसिफ भाई, भारत देश में कोई ऐसी सरकार का नाम बता दीजिए जो 4 महीने बाद पूरे अपने घोषणा पत्र को लागू कर दी हो, कोई ऐसी सरकार अगर आपके जहन हो तो बता दीजिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ उसके इतर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने जो जो बातें कही थी 50% से ज्यादा सारी चीजें हमारी लागू हो चुकी है 4 महीने में। 3100 में धान खरीदी हो गई, 2 साल का बकाया बोनस मिल गया, 18 लाख गरीब परिवार जिसके हक को इन्होंने मारा था उस सारे मकान बनाने शुरू हो गए, 65,000 ज्यादा मकान बन चुके हैं, प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसके अलावा जो PSC में इन्होंने घोटाला किया था, प्रदेश के युवाओं का हक मारा था, उसकी सीबीआई को जांच सौंपी जा चुकी है। जो जो बातें हमने की थी, 500 सिलेंडर की बात वो भी दे देंगे, अभी सरकार 5 साल की है ना, इनके ऐसा नहीं करेंगे भाई। जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो विकास की है, उसका हमने पैमाना जनता के सामने रखा है, हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। खाली आरोप से नहीं होता है, खाली डिबेट में बैठ के गला बजाने से नहीं होता है, प्रमाणित बात होनी चाहिए। हमने जो बात को कहा है, मोदी जी की जो गारंटी है, ये देश की गारंटी, जनता की गारंटी है, उसको अक्षरता पालन हमने किया है। आज एक युवा जब वोट डालने जाता है तो सोचता है कि उसको क्या मिला 5 साल में, हम बताते हैं क्या मिला, सुरक्षा मिला। आज कोई भी देश आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, घर घुस के मारा जाता है, नया भारत है ये, हमने विश्वास प्रदेश की जनता को और देश की जनता को दिया है। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने देश को बेचा, चाहे शिमला समझौता हो, चाहे कैलाश मानसरोवर समझौता हो, विदेश में जाकर राहुल गांधी जी भारत देश की बदनामी करते हैं, छत्तीसगढ़ के आंदोलन की बात करते हैं, आदिवासियों से मिलने नहीं जाते हसदेव में, अब चुनाव आगे पहुंच जाएंगे वहां पर गमछा फोड़ के। मुद्दा महंगाई का होगा या मुद्दा राम मंदिर का होगा, मुद्दा रोजगार का होगा या फिर मुद्दा पाकिस्तान चीन का होगा? नहीं, मुद्दा तो महंगाई और जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज है उसी पे होगी डिबेट, जो होना तो उसी पे चाहिए, हो क्या रहा है मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, होना तो वही चाहिए। लेकिन मुद्दे जो है वो भटकाए जा रहे इधर उधर, बात ये है कि वही भटकाए जा रहे हैं। तो क्या जितना विपक्ष है इंडिया अलायंस से, आपको लगता है कि वो ट्रैक पे नहीं ला पा रहे उन चीजों को,
मतलब मुद्दे वो नहीं पकड़ पा रहे हैं जो अमूमन आरोप लगता है कि विपक्ष कई बार बहक भी जाता है, जिस तरफ सरकार ले जाती वहां चला जाता है, वो जो मूल मुद्दे उनसे बहक जाता है। नहीं, मेन तो वही है कि विपक्ष अपने जो मुद्दे हैं पब्लिक के मुद्दे, वो सही तरीके से पब्लिक के सामने रख नहीं पा रही है। एक्चुअली जो इंडिया जो अलायंस है, शायद क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम अलायंस है और एक साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, मेन मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जब बात आती है मुद्दों को पब्लिक के सामने रखने के लिए, कहीं ना कहीं वो पीछे हो गई है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं विकास जी, गौरीशंकर जी और किशोर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनजीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में आने के लिए, हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तीन हजार 108 किलोमीटर सफर के बाद एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल आ पहुंचा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यानी कि मोर रायपुर, और मेरे साथ है माय एफएम के आरजे ऋषभ। ऋषभ, बहुत स्वागत है आपका। जोहार आप सभी को, और धन्यवाद आपका कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अलग अलग जगह जा रहे हैं और कैंपेन को जो है वोटिंग को लेकर अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों के बीच में। अच्छा, मैं रायपुर के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि पॉलिटिकल बात करने के लिए तो बहुत सारे मेहमान होंगे हमारे साथ। बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा आपसे कि मोर रायपुर की खासियत क्या है ऋषभ? मोर रायपुर मतलब मेरा रायपुर की खासियत ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोपहर में कितनी गर्मी थी, अभी देखिए मौसम कितना सुहाना हो गया है। मौसम हो गया है। अच्छा, रायपुर में मुद्दा क्या है? आप तो क्योंकि लोगों से आप भी मुखातिब होते हैं, बातचीत चलती है, तो क्या मुद्दा है रायपुर में आपको लगता है? वेल, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, चाहे मैं बात कर लूँ बेरोजगारी के, महंगाई के, लेकिन वो सब फीके पड़ जाते हैं अगर हम घर से निकलकर वोट करने नहीं जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे ये लगता है कि रायपुर में वोटिंग का है। आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, तो युवा कैसे बदल सकता है इस सोच को? युवा इस तरह से बदल सकता है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर अगर वो कहीं पर है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ मरीन ड्राइव पर, आज मैं एनडीटीवी पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, और बहुत सारे युवा जो हैं ऐसा करते हैं कि मैं कल यहाँ मिलूँगा, वहाँ मिलूँगा, आप मुझे यहाँ पर पा सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर जैसे वो पर्व है हमारा, क्योंकि त्यौहार है ये, सो उस चीज़ को लेकर अवेयरनेस नहीं है, या फिर उसको उतना लाइक दिल से नहीं ले रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँ पोस्ट, या फिर आपको करना है, अवेयर नहीं कर रहे खुद से। तो मैं युवा से कहना चाहूँगा, क्योंकि खुद युवा हूँ, फील कर पाता हूँ कि कितना ज़रूरी है वोट करना, और वोट करेंगे तभी आपके जितने भी मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि सफलतापूर्वक वो सब कुछ साकार हो आपके बीच में, तो आपको वोट ज़रूर करना, ये मैं कहना चाहूँगा। अपना वोट कास्ट करने ज़रूर जाएं, ऋषभ, यही अपील? बिल्कुल, चुनाव का पर्व है, ये देश का गर्व है। 94.3 MHz, चलो अच्छा सुनते हैं। थैंक यू फॉर टॉकिंग अस, बहुत शुक्रिया आपका। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में लगातार सफर जारी है, लोगों से हम उनकी राय जान रहे हैं, हर सीट पर पहुंच रहे हैं, और आप देखते रहिए एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल।